बहुत अच्छी मुलाकात हुई, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का भी बहुत अच्छा है, फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने। साहब राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारी पार्टी में जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगे, क्या चांसेस हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं, हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग बाहरी शरीयत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार किया और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा, ये है हमारी कोशिश। और सर कश्मीर में आप ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे हमारी कोलिशन, तो आपको क्या लगता है कि ये स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके ये जरूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे, अल्लाह करे कि सारे अख्तियार स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। Go through the poll, then we will look into these things. No doors are closed for anybody. सर आप बोल रहे रेस्टोरेशन ऑफ 373 35 ए पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपने हमारा अब कांग्रेस इसमें बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी बढ़िया सवाल वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कितनी सीट कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली सर इसमें? वो नेशनल आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ दिन ठहर जाएगी, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज। फेज वाइज आप रिलीज किया सर? आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, आपने कहा था कि आप अभी जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए ये सवाल मत बेहतर है, ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, यही नहीं है, मकसद ही नहीं है। और बताइए मुझे बहुत आपको ईमानदारी, दिल आज बहुत ही खुश है क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूँगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया, बहुत बहुत शुक्रिया।